ओम शांति। आज एक छः दुई हजार कोड़े महावाक्य बाबा कहते मधुर संतान माने बंची पर्यंत पढ़ा पढ़ाइबा को हेबो, कारण खुशी एवं पदर आधार हेउची पाठ पढ़ा। प्रश्न, सेवारे सफलता पाइबा पाई मुख्यतः केउ गुण आवश्यक? उत्तर, सहनशीलता। प्रत्येक कथारे सहनशील होई परस्पर मध्यरे संगठित होई सेवा कर। भाषण द्वारा सेवा करिवार व्यवस्था कर। मनुष्य मानकु निदरु उठाइबा पाई अनेक प्रकारर उपाय मध्य बाहरिब। जेउ माने भाग्यवान संतान से माने पाठ पढ़ा मध्य बहुत अग्रसर सहित पढ़िबे। गीत, हमें उन राहों पर चलना है। ओम शांति। तुम्हें माने कौन विचार करी मधुबन को आसुच? कौन पाठ पढ़ा को आसुच? कहा पाख को आसुच? समस्ते कहिले बाप दादा को पाख को। एहा ही हेउची नुआ कथा। एभोली केबे सुनिच जे बाप दादा को पाख को पाठ पढ़ा जाती? पुणी बाप दादा मध्य उभय एकाठी अछंती। एहा केते आश्चर्यर कथा ना? तुमे वंडरफुल बाबांकर संतान अट। तुमे माने मध्य ना रचयिता ना रचनार आदि मध्य अंत को जानिथिलो। एबे सेही रचयिता एवं रचना को तुमे पुरुषार्थर क्रम अनुसार जानिछ। जेतिकी जानिछ एवं जेतिकी जहाँ बुझाऊछ सेतिकी खुशी मिलुछि एवं भविष्यतर पद मध्य सेही अनुसार तुममानंकु मिलिब। मूल कथा हेउछि एबे आमे रचयिता एवं रचनार आदि मध्य अंत को जानिछे। एहा केवल आमे ब्राह्मण ब्राह्मणी माने ही जानिछे। बंचीथिबा पर्यंत निजकु निश्चय करिबाकु हेबो जे आमे हेले ब्रह्मा कुमार एवं ब्रह्मा कुमारी। शिव बाबा ठारु वर्षा नेउछु, पूरा पढ़ुचु अथवा कम पढ़ुचु से कथा अलगा, किंतु एक कथा तो जानिछ ना जे आमे तांकर संतान। तेबे प्रश्न उठुची पढ़ीबा अथवा न पढ़ीबा सेई अनुसारे ही पद मिलिबो। बाबांको कोळकु आसीगल अर्थात निश्चय होइगला जे आमे राजोत्तर अधिकारी हेबो। पुणी पाठ पढ़ारे मध्य राती दिनर अंतर रहिछि। केही केही तो बहुत भल भावरे पाठ पढ़ुचंती एवं अन्य मानको मध्य पढ़ाउचंती। तांकु पाठ पढ़ा बिना आउ किछि भल लागु नाही, बास पढ़िबा एवं पढ़ाइबा एहा शेष पर्यंत चलिबो। विद्यार्थी जीवन रे केबे शेष पर्यंत पाठ पढ़ा चली नथाय, पाठ पढ़िबार समय थाय, किंतु तुम मानक बंची पर्यंत पढ़ा एवं पढ़ाइबा को हेबो। तेणु निजकु पचारिबा उचित जे केते जन को मु सृष्टिर रचयितांकर परिचय देछि। मनुष्य तो मनुष्य ही अटंती। शारीरिक दृष्टि मनुष्य मानकर कौनसी अंतर नहीं, भितरे एही पाठ पढ़ार गुंजरण रही थाए। जिए जेते पढ़िबो सीए सेते खुशी रे रहिबो। भितरे रही थाए जे आमे नुआ विश्वर मालिक हेबु। एबे आमे स्वर्गर द्वार को जाउछु, तेबे निज मन को सर्वदा पचारु थाओ मो भितरे केते फरक रहिछि। बाबा आमको निजर करिछंती, आमे कौन रु कौन हेउछु। तेबे पाठ पढ़ा उपरे ही सबु किछि निर्भर करिथाए। पाठ पढ़ा द्वारा मनुष्य केते उच्च पदर अधिकारी होउछंती, किंतु से सबु अल्पकाल क्षण भंगुर पद अटे। सेथिरे किछि दैवी लक्षण नथाए, ताहा जेपरी कोनोसी कामर नुहे। एबे एही पाठ पढ़ा द्वारा तुमे केते श्रेष्ठ हेउछ, तेणु समस्त ध्यान पाठ पढ़ा उपरे देबाकु हेबो। जहांको भाग्य रे अछि
तांको मन एही पाठ पढ़ारे लागी रही थाए। सेमाने अन्य मानकु मध्ये पाठ पढ़ाइबा पाई भिन्न भिन्न रीति रे पुरुषार्थ कराई थांती। एभोली मन हुए तांकु मध्ये पाठ पढ़ाई बैकुंठर मालिक करिदेबु। मनुष्य मानकु निदरु जाग्रत करिबा पाई केते बुद्धि खर्च करचंती एवं पैसा मध्ये खर्च करचंती। एही प्रदर्शनी आदि तो किछि नुहे, आगुकु गले बुझाइबा पाई आहुरी भल भल प्रबंध बाहरिबो। एबे बाबा पतित मानकु पावन करचंती, तेणु बाबांक शिक्षा उपरे ध्यान देबा उचित। प्रत्येक कथारे सहनशील मध्ये हेबा उचित। परस्पर मिसि संगठन करी भाषण आदिर प्रोग्राम रखिबा दरकार। अलपुंक उपरे मध्ये आमे बहुत भल भावरे बुझाइबा दरकार। सर्वोच्च भगवान किए? एकमात्र अलपुंक उपरे तुम्हें 2 घंटा भाषण करिपारिब। एक कथा तुम्हें जानिछ जे अलपुंकु अर्थात भगवान को स्मरण करिले खुशी रहिब। जदि पिला मानंकर जोगर यात्रा रे ध्यान कम रहुचि, अलपुंकु मने पकाउनाहांती, तेबे निश्चित क्षति हेब। सबुर आधार जोग उपरे ही रहिछि। जोग बल द्वारा एकदम तुम्हें माने स्वर्ग को चली जीव। बाबा को भूलिबा द्वारा पुणी तल को खसी जाउछ। बाबा समस्त को समान रूप से पाठ पढ़ाउछंती, किंतु केतेकंकर बुद्धि जेपरी बिल्कुल जड़, किछि हेले बुझुनाहांती। एहा मध्य ड्रामा रे निर्धारित अछि। बाबा कहुचंती एमानंक भाग्य रे ही नाही, तेबे मु कौन करिपारिबे। मु समस्त को समान रूप से पाठ पढ़ाऊँ, किंतु एमाने क्रमानुसार पढ़ुचंती। केही भल भाव बुझी अन्य मानकु बुझाऊँचंती, अन्य मानकर मध्य जीवन हीरातुल्य कराउचंती। केही पुणी करुनाहांती, केते ओलटा अहंकार रहिछि। एपरि नुहे जे सुनार द्वारिका समुद्र तलु बाहरी आसिब। एहा ड्रामार चक्र अटे जहाँकि घूरी चलीछि। पुणी आमे निज समय रे नुआ दुनिया रे जाई महल तयारी करिबा। केही केही आश्चर्य होउछंती, कोन एपरि पुणी महल तयारी हेबो। बाबा तुमको बहुत वंडरफुल कथा अर्थात आश्चर्यजनक कथा सुनाउछंती एवं साक्षात्कार मध्य कराउछंती। तुम बुद्धि रे एबे एक कथा रहिबा उचित जे आमे आत्मा माने निज घर छाड़ीबा 5000 वर्ष होइगलाणी, जाहाकु मुक्ति धाम कुहा जाउछि। भक्ति मार्ग रे मुक्ति निमन्ते केते मुंडो पिटुथिले, किंतु एबे तुमे माने बुझी पारुछ बाबांक बिना केही भी मुक्ति देई पारिबे नाही, साथीरे केही नेई जाई पारिबे नाही। एबे तुम बुद्धिरे नुआ दुनिया रहिछि, तुमे जानिछ एही चक्र घुरुछि, तुमे अन्य कोनोसी कथाकु जीवा उचित नुहे। केवल बाबांकु मने पकाओ एवं समस्तंकु एही कथा कुह, बाबांकु स्मरण करिले विकर्म विनाश हेब। बाबा तुमको स्वर्गर मालिक कराइथिले ना, तुमे मोर शिव जयंती मध्य पालन करुछ। केते वर्ष हला? एहा 5000 वर्षर कथा। तुमे स्वर्गवासी थिलो, पुणी 84 जन्मर चक्र लगाइल। ड्रामा एपरी करा, ड्रामा मध्य एहीपरी करा जायछि। मु तुम मानंकु एही सृष्टि चक्र विषय रे आसी बुझाउछि। एबे तुमर बहुत भल भावरे स्मृति आसीछि। आमे सबुठारु उच्च पाठ धारी थिलु, आमर पाठ बाबांक सहित रहिछि। आमे बाबांक श्रीमत एवं स्मृति रे रही अन्य मानंकु मध्य निज समान करुछु। जी कल्प पूर्वरु थिले सेई माने ही हेबे। से माने साखी होई देखुथिबे एवं पुरुषार्थ कराइबेरे मध्य लागी पड़िबे। सदा उमंग उत्साह रे रहिबा पई प्रतिदिन एकांतरे बसी निज सहित कथाबार्ता हुओ। बाकी आउ अल्प समय, एही अशांतिर दुनिया रे रहिछु, पुणी अशांतिर नाम मध्य
रहिब नाही। केही मुख द्वारा कहिबे नाही जे मनकु शांति किपरि मिलिब। शांति निमन्ते साधु सन्यासी मानक पाखकु जाउचंती, किंतु शांतिर सागर तो एकमात्र बाबा ही अटंती, अन्य कहा पाखरे एही वस्तु नाही। एमिति तो तुम मानक बुद्धि रे एकथा गुंजन हेबा उचित, रचयिता एवं रचना को जानिबा एहा ही होचि ज्ञान, ताहा शांति पई किंतु एहा सुख पई। सुख धन द्वारा होइथाय, धन नथिले मनुष्य कोनोसी कामर नुहे। धन निमन्ते मनुष्य केते पाप करुचंती। बाबा तुम मानकु असरंती धन देथिले, स्वर्गरे सुनार नरकरे, स्वर्ग सुनार नरक पत्थर अटे। अच्छा, ओम शांति। धारणा पाई मुख्य सारांश नंबर एक, समय बाहर करी एकांतरे बसी निजे निज सहित कथा होई निज भितरे उमंग उत्साह भरिबाकु हेबो। निज समान करिवार सेवा करिवा सहित साक्षी होई प्रत्येकंकर पाठ को देखिवार अभ्यास करिवाकु हेबो। नंबर दुई, बाबांकु मने पकाई निजे निजकु सुधारिबाकु हेबो। निज मनकु पचारिबाकु हेबो जे मु ईश्वरीय संदेश बाहक अटे, मु केते जणकु निज समान करिछि। वरदान साइलेंस अर्थात शांतिर शक्ति द्वारा विश्वरे प्रत्यक्षतार नागरा बजाउथिबा शांति स्वरूप आत्मा हुओ। गायन अछि साइंस अर्थात विज्ञान उपरे साइलेंस रो विजय नुहे कि वाणी रो विजय। जेते जेते समय बा संपूर्णता पाखै आस्थिबो सेतिकी सेतिकी आपे आपे अधिक बाणी रे आसीबा पई वैराग्य आसीबाकु लागिबो। जेपरी वर्तमान न चाहिले मध्य अभ्यास तुमकु बाणी को नै आसी, सेही परी आगो को गले कथा कहिबाकु चाहिले मध्य कहि पारिबो नाही। अर्थात बाणी थारु ऊर्ध्व स्थिति रे रहिबा विशेष कार्यक्रम अनुसारे बाणी आसीबो। जेतेबेले तुम भितरे एही बड़ी परिवर्तन देखा जीव सेते बेले जानिबो विजयर नागरा बाजिबार समय आसीगला। सेति पई जेते समय मिलुची शांत स्वरूप स्थिति रे रहिबार अभ्यासी हुओ। स्लोगन जीरो अर्थात सुन बा बिंदु बाबांकु बिंदु बाबांक साथी रे रहुतिबा आत्मा ही हीरो पाठधारी अटंती। ओम शांति।